क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में ये बताया गया है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, मतलब उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, उसे मैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। ये मैग्नेटिक मटेरियल तीन किस्म के हैं। पहले किस्म का मैग्नेटिक मटेरियल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरे किस्म का पैरा और तीसरा फेरो। तो तीन किस्म के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। कोई डाउट इसमें? शायद केमिस्ट्री में आपने सुने भी हो ऐसे। अब अगर मैं ये बात करूं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तो इन तीनों में ये डिफरेंस है कि ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इनके, इसका एग्जांपल आयरन है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, चाहे 1 करोड़ एटम्स हैं, वो 1 करोड़ के 1 करोड़ एक्ट लाइक अ मैग्नेट और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। मतलब अगर उसमें 1 करोड़ एटम्स हैं, उसमें 1 करोड़ मैग्नेट्स हैं, हर एटम एक मैग्नेट है, एक एक एटम एक मैग्नेट है, 1 करोड़ मैग्नेट से बनी हुई वो लोहे का पीस है। तो लेकिन मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था, फिर लोहे का पीस क्यों है, वो मैग्नेट क्यों नहीं है? क्योंकि इस एरो का मतलब होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इस एरो का मतलब है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक एटम का दूसरे एटम के साथ क्या हो जाता है? कैंसल। और जब ये कैंसल होता है तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाती है? 0। ये आपस में सारे m और m इज अ वेक्टर क्वांटिटी कैंसिल करते जाते हैं और सारा नेट m की वैल्यू 0 आ जाती है। तो इसलिए ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करते, इसलिए लोहे का पीस है। लेकिन उसका बस चले और तुम उसे मैग्नेटाइज करो तो बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बन जाता है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? और फेरो के अंदर फिर क्या होता है? फेरो भी सेम है। फेरो के अंदर अगर 1 करोड़ एटम है, 1 करोड़ के 1 करोड़ एटम मैग्नेट ही हैं, पर थोड़े वीक मैग्नेट हैं। फेरो थोड़े स्ट्रांग मैग्नेट हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हर एटम का फेरो में स्ट्रांग होता है और पैरा में थोड़ा सा वीक होता है, बस यही फर्क होता है। पर होते ये भी मैग्नेट हैं। और ये पैरा जो है, इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्यूमिनियम एग्जाम्पल है। एल्यूमिनियम के ये पूरा जो मटीरियल यूज़ किया हुआ है पार्टीशन के लिए, पूरा एल्यूमिनियम है ये, पर ये मैग्नेट नहीं है। पर अगर तुम चाहो इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के मैग्नेट बना सकते हो। तो इसके एटम जो हैं बाय नेचर, ये ऐसा नहीं कि हमने बनाए, बाय नेचर जो पाया जाता है इसके एटम्स मैग्नेट होते हैं पर थोड़े वीक होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के अगर आपने सुना हो डायमैग्नेटिक, इसके अंदर 1 करोड़ अगर एटम है, इसका एग्जांपल कॉपर और गोल्ड है, इसके अंदर जो एटम है बिल्कुल भी मैग्नेट नहीं है, बिल्कुल डेड है, एक भी मैग्नेट नहीं है इसके अंदर। अब यहां पर थोड़ा लोग सोचते हैं कि ये क्या बात बनी। ये तो समझ में आता है पैरा और फेरो मैग्नेटिक मटीरियल हैं, सही है, इनको तो बनता है क्योंकि तो बाय नेचर पैदा होते ही ये तो मैग्नेट है। लेकिन जो डाया है वो किस खुशी में मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया? क्योंकि उनके एटम तो मैग्नेट है ही नहीं। तो कोई बताएगा ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये सारे 1 करोड़ एटम मैग्नेट बन जाते हैं। वैसे लकड़ का मटेरियल नहीं बनेगा, जितना मर्जी भी लगा दो इसको नहीं कोई फर्क पड़ेगा। पर जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है ये मैग्नेट नहीं है, बिल्कुल एक एक एटम मैग्नेट नहीं है। लेकिन अगर तुमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इसके सारे एटम मैग्नेट बन जाते हैं। इसलिए इसको डाला गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल के अंदर। तो इसका कुछ तो बिहेवियर है इसका, मैग्नेटिक फील्ड में ये रिएक्शन शो करता है, ये रिएक्ट करता है और ये मैग्नेट बन जाता है। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? मेन डिफरेंस क्या है? इसके बाय नेचर एटम मैग्नेट हैं, इसके भी बाय नेचर एटम मैग्नेट हैं, पर इसके बाय नेचर एटम मैग्नेट बिल्कुल भी नहीं है, पर मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद ये मैग्नेट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इनकी क्या बिहेवियर क्या है इनका। जब आप इन्हें बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये कैसे एक्ट करते हैं? देखो, ये तो बड़े खुश होते हैं फेरो, ये तो कहते शुक्र है मुझे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, क्योंकि मैं तो बाय नेचर ही मैग्नेट हूँ, तो मैं तो अलाइन हो जाऊँगा, मैं तो बहुत खुशी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाऊँगा। पैरा भी खुश हैं क्योंकि बड़े भाई फेरो हैं, छोटे भाई पैरा है।
पहला भी खुश है, वो कहता जी बड़ा भाई जो करेगा छोटा भाई करेगा, हम भी खुश हैं, हम भी मैग्नेट बन जाएंगे। डाया खुश नहीं है। डाया मैग्नेटिक पता है कैसा है? डाया मैग्नेटिक को अगर तुमने छेड़ दिया और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, फिर वो कहता है अच्छा तुम रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में मेरे को, अब तुम देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ। तो तुम्हारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज करके दिखाएगा। क्यों? तुमने उसके नेचर के अगेंस्ट काम किया, क्योंकि उसकी नेचर थी नहीं। वो कहता यार मेरे को भगवान ने ऐसे बनाया ही नहीं, मेरे को बनाया ही डेड है, मेरे मैग्नेट मेरे एटम मैग्नेट है ही नहीं, तुम जबरदस्ती मैग्नेट बना रहे हो, तो अब मैं तुम्हें अपोज जरूर करूंगा। नेचर का लॉ खराब कर रहे हो ना, नेचर खराब होगी तो अपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं? ये वो हैं इन विच इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस नेट मैग्नेटिक डायपोल ऑन देयर ओन। मतलब इनके लाखों करोड़ों एटम के जो एटम्स हैं उनमें डायपोल मोमेंट नहीं है, ये बिल्कुल डेड है। और इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि व्हेन दीज आर प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, भी जब मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में इनको रखता हूँ तो स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन ईच एटम। तो हर एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाता है, पैदा हो जाता है, बन जाता है, तो दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। और जब इसका एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, कॉपर एंड गोल्ड, वो पूछता है एग्जाम्पल, कॉपर एंड गोल्ड इसका एग्जाम्पल है, ठीक है यहाँ तक। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखो, ये कैसे बिहेव करते हैं, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा बोर्ड पे प्रॉपर्टीज पे। वो क्या कहेगा, डायग्राम भी बना के दे सकता है और पूछ सकता है इस डायग्राम को देखते हुए बताओ ये कौन सा मटीरियल है, डाया पैरा या फेरो। इनकी प्रॉपर्टी नंबर वन है, अगर आप इसको धागे से लटका दें बार मैग्नेट बनी हुई कॉपर की और इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो जो फेरो और पैरा है ना वो तो खुशी खुशी ऐसे बन जाते हैं। ये देखो फेरो लोहा या पैरा ऐसे हो कि वो तो कहते हैं हम तो मैग्नेट बन गए, हम अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये बिल्कुल अलाइन नहीं होते, ये बिल्कुल अपोजिशन शो करते हैं, और अपोजिशन के चक्कर में ये 90 डिग्री पे खड़े हो जाते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो 90 डिग्री पे हो जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग अपोजिशन शो करते हैं कि हम नहीं अलाइन होंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी भी हालत में। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी, कोई स्टूडेंट कहे मैं इसका पाउडर बना दूंगा, और पाउडर बना के यहां पर सपोज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, पाउडर बना के इस कप में रख दूंगा, तो क्या होगा, पूरा पाउडर यहां यहां खिसक जाएगा, यहां पे बहुत कम रह जाएगा, यानी कि वीक फील्ड की तरफ भागना पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग से दूर भागते हैं। तो जहां तुमने फील्ड स्ट्रॉन्ग रखा था वहां से दूर भागते हुए वीक की तरफ भाग जाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी, कोई कहता है मैं इसको जी लिक्विड बना दूंगा, लिक्विड बना के देखता हूं क्या करते हैं। तो मान लो यहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहां पे वीक है, तो जब तुमने इसको लिक्विड फॉर्म में बनाया तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से लिक्विड का लेवल नीचे गिर गया और वीक की तरफ ऊपर उठ गया। तो स्ट्रॉन्ग से नीचे गया, वीक की तरफ उठ गया, यानी कि फिर से भाग रहे हैं, स्ट्रॉन्ग से भाग रहे हैं, वीक की तरफ भाग रहे हैं। तो इनकी फिर से वही प्रॉपर्टी है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है, ये बहुत आती है प्रॉपर्टी, कि अगर आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा और ये देखा कि इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे क्रॉस करेंगी, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इसके अंदर से एक भी लाइन मैग्नेटिक की क्रॉस नहीं हो पाएगी, ये इतनी ऑपोजिशन शो करते हैं कि बाहर के फील्ड को अपने आप को टच भी करने नहीं देते, उसको भगा देते हैं, तो कोई भी लाइन इनमें से क्रॉस नहीं करती। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो पेपर में आती है कि इनका जो म्यू आर है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये हमेशा लेस देन वन है, इसे इसे अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मटेरियल्स का म्यू आर लेस देन वन है, और अगर इनका म्यू आर लेस देन वन है, ये देखो म्यू आर क्या होता है, 1 प्लस काई, जैसे ये 0.5 है, 0.3 कुछ भी, तो वन इधर माइनस करेंगे तो काई क्या आएगा इनका, बहुत इंपॉर्टेंट, डाया मैग्नेटिक मटीरियल का काई हमेशा नेगेटिव है। और तुम्हें वो यही क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई के अंदर, बोर्ड में आएगा, कंसिडर अ मटीरियल जिसका काई नेगेटिव है। अब उसको अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मुझे बना के दिखाओ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायग्राम कैसा बनेगा। तो यानी कि पहले तुम ये याद करोगे कि अगर काई नेगेटिव है तो डाया मैग्नेटिक है, फिर तुम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बना के दिखाओगे। तो समझ में आ रहा है वो कभी नहीं बोलेगा डाया मैग्नेटिक सब्सटांस है, वो इनमें से कोई प्रॉपर्टी ही यूज करके पूछेगा कि बताओ ये कौन सा सब्सटांस है। वो ये भी पूछ सकता है कि एक सब्सटांस है जिसकी काई की वैल्यू -1.4 है,
बोलो ये सब्सटेंस कौन सा है? डायमैग्नेटिक है, क्योंकि पैरा और फेरू का काई हमेशा पॉजिटिव होता है और डायमैग्नेटिक का नेगेटिव होता है। तो याद रहेगी प्रॉपर्टीज 100% आएंगी। अगर ये नहीं आएगी तो ये आएगी, पैरा या फेरू। पैरा या फेरू के अंदर जो इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब का एटम का डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। मतलब जब ये बने, जब ये पैदा होते हैं, इनका तो बाय डिफॉल्ट ही डायपोल मोमेंट है, हर एटम का है। हर मैग्नेट इज अ मैग्नेट, हर एटम इज अ मैग्नेट इस केस में। लेकिन वो कह रहे हैं, एग्जाम्पल नोट करें, एल्यूमिनियम एंड प्लेटिनम, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एंड प्लेटिनम। अब इनकी प्रॉपर्टी नंबर वन है, जो पैरा की वही फेरो की सेम है। क्या प्रॉपर्टी है? कि अगर आप इन्हें सस्पेंड कर देंगे धागे के साथ मैग्नेट को, तो ये कैसे अलाइन हो जाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाते हैं। पॉइंट नंबर वन, ये पसंद करते हैं फील्ड में रहना। प्रॉपर्टी नंबर टू, अगर आप पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो जहां स्ट्रांग फील्ड है ये वहां इकट्ठे हो जाते हैं, वीक से निकल निकल के स्ट्रांग की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल उल्टी प्रॉपर्टी शो करता है जो डाया करता है। फिर कोई कहता है जी लिक्विड लूंगा, तो जहां स्ट्रांग फील्ड है वहां इनका लेवल चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वीक से भाग के स्ट्रांग की तरफ आ जाते हैं, उल्टी प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट है कि अगर आप इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो सारी की सारी लाइंस इनके अंदर से पास होती हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में ये रहना पसंद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनका म्यू आर क्या है? ग्रेटर देन वन। पूछता है वो, कंसीडर अ मटेरियल जिसका म्यू आर ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब पैरा या फेरू है। अगर म्यू आर ग्रेटर देन वन है तो काई एम क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इन मटेरियल्स का काई एम फेरो या पैरा कोई फर्क नहीं है। फेरो में थोड़ी बड़ी वैल्यू आती है, पैरा में छोटी आती है, आती पॉजिटिव है। तो काई की वैल्यू इनकी क्या रहती है? पॉजिटिव। तो ये जो मैंने प्रॉपर्टीज करवाई, ये पेपर में एक प्रॉपर्टी तो आनी ही है। ठीक है यहां तक?